स्टूडियो हम आपके साथ स्टार्ट कर रहे हैं टैक्सेशन ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर, जिसको हम कहते हैं इसोप। जो आपको पता है डियर, जो इसोप होते हैं वो कंपनीज देती हैं अपने एम्प्लॉयज को, डायरेक्टर्स को वगैरह वगैरह, ताकि वो जो है वो लॉन्ग टर्म तक उस कंपनी के साथ बने रहें। और जो इसोप होता है डियर, ये आपका मतलब परक्विजिट की तरह से कंस्यूड होता है अंडर द हेड सैलरी। तो अगर आप सैलरी हेड में देखेंगे तो सैलरी हेड में जो भी आप इसोप दे रहे हैं वो उस एम्प्लॉय के लिए परक्विजिट बन जाता है। डेट इसोप इज बीइंग कंसिडर्ड एज अ परक्विजिट इन द हैंड्स ऑफ द एम्प्लॉय। ठीक बात है। तो इसोप में क्या होता है, जनरली मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा, जो जब कंपनी है जब अपनी एम्प्लॉय को इसोप अलॉट करती है या इसोप जब का ऑप्शन देती है, तो एम्प्लॉय के पास ऑप्शन होता है वेदर टू सब्सक्राइब फॉर डेट इक्विटी शेयर्स और दस सिक्योरिटीज और नॉट। तो लेट्स से कि अगर एम्प्लॉय ने अगर अपने इसोप के ऑप्शन को एक्सरसाइज कर लिया, मीन्स इनके पास ऑप्शन है, कोई कंपल्शन नहीं है। अगर इन्होंने इस ऑप्शन को एक्सरसाइज कर लिया, तो जिस दिन इन्होंने इस ऑप्शन को एक्सरसाइज किया, बहुत ध्यान से, जिस दिन इन्होंने इस ऑप्शन को एक्सरसाइज किया, इसोप साहब हमारे लिए परक्विजिट बन गया, मीन्स इंप्लॉय के लिए परक्विजिट बन गया। और जिस दिन इन्होंने इस ऑप्शन को एक्सरसाइज किया, उस दिन आपकी टैक्स लाइबिलिटी कंप्यूट कर दी जाएगी। बट टैक्स लाइबिलिटी उस प्रीवियस ईयर में टैक्सेबल होगी जिस प्रीवियस ईयर में शेयर्स या सिक्योरिटीज अलॉट किए गए हैं, शेयर्स या फिर सिक्योरिटीज अलॉट किए गए हैं। तो सर एक बात बताओ ना, जिस दिन आपने ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया और जब शेयर्स या सिक्योरिटीज अलॉट किया, क्या इनके बीच में बहुत मतलब डेज का अंतर होता है? नहीं डियर, यूजली 2 से लेकर 4 महीने तक का भी अंतर हो सकता है, और हो सकता है कि इस वजह से जो है प्रीवियस ईयर चेंज हो जाए। तो लेट्स से कि हमने जो है वो एम्प्लॉयज को ऑप्शन दिया कि यार आप ना 1000 शेयर्स जो है वो बाय कर सकते हैं एट अ प्राइस, लेट्स से 500 रुपीज। इस प्राइस को हम कहते हैं प्री डिटरमाइंड प्राइस। ठीक बात है। और लेट्स से कि इस दिन जो मार्केट, जो शेयर मार्केट प्राइस या फिर जो करंट मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर है, ये लेट्स से ₹1200। ठीक है। तो लेट्स से कि एम्प्लॉय ने अपने ऑप्शन को एक्सरसाइज किया और लेट्स से फर्स्ट फेब 2023 को लेट्स से एम्प्लॉय ने 1000 शेयर्स के लिए अपना राइट एक्सरसाइज कर लिया, मीन्स राइट एक्सरसाइज। तो जिस दिन एम्प्लॉय ने ये राइट एक्सरसाइज किया, ध्यान दीजिएगा, जिस दिन एम्प्लॉय ने ये राइट एक्सरसाइज किया, इस दिन परक्विजिट वैल्यू आ गई, परक्विजिट वैल्यू कंप्यूट करनी पड़ेगी हमें इस दिन, मींस द डेट ऑफ द एक्सरसाइज ऑफ द राइट। पर लेट्स से जो शेयर्स जो एम्प्लॉय को सही में अलॉट हुए हैं, ये हुए हैं लेट्स से फर्स्ट मई 2023 को। तो साहब इसोप जो आपका लायबल टू टैक्स होगा वो कब होगा? प्रीवियस ईयर 23-24 में, जबकि आपको जो इसोप जो आपने जो राइट्स एक्सरसाइज किया हुआ, राइट्स आपने कब एक्सरसाइज किया? प्रीवियस ईयर 22-23 में। बट चूंकि साहब यहाँ पे डेट ऑफ एक्सरसाइज और डेट ऑफ द अलॉटमेंट अलग है, तो जिस डेट आपको अलॉट, तो जब आपको ये शेयर्स या सिक्योरिटीज अलॉट की जाएंगी उस प्रीवियस ईयर में डियर, आपका इसोप जो होगा वो लायबल टू टैक्स होगा। ठीक बात है। मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा, इसोप पे जो टैक्स लाइबिलिटी होती है डियर, वो दो स्टेजेस में होती है। पहली जो टैक्स लाइबिलिटी होती है वो होती है ऑन द अलॉटमेंट, और दूसरी होती है ऑन द सेल, ऑन द अलॉटमेंट ऑन द सेल। तो लेट्स से कि एक कंपनी है जिन्होंने अपने एम्प्लॉयज को 1000 शेयर्स का राइट ऑप्शन का 1000 शेयर्स का ऑप्शन दिया, तो लेट्स से जो ऑप्शन प्राइस है, जो एक्सरसाइज प्राइस है, दैट इज ₹500। और लेट्स से जो फेयर मार्केट वैल्यू है, फेयर मार्केट वैल्यू के लिए हम जो रूल यूज करते हैं, दैट इज रूल 3(8), उसके हम आपके साथ अभी बात करेंगे। दैट इज उसके हिसाब से जो FMV आती है, दैट इज लेट्स से ₹1300। तो जब इन्होंने इस राइट को एक्सरसाइज किया, तो साहब इनकी जो है वो शेयर, इनकी जो है वो मीन्स परक्विजिट वैल्यू आ गई। बट जब इनको जिस प्रीवियस ईयर में इनको ये शेयर्स अलॉट किए जाएंगे, जो परक्विजिट वैल्यू हमने उस दिन कंप्यूट की थी, जिस दिन आपने इनको ये शेयर्स, जब इन्होंने ये इन शेयर्स के लिए राइट एक्सरसाइज किया था, तो लेट्स से कि हमारी जो परक्विजिट वैल्यू आती है, लेट्स से 800 × 1 लाख, 8 लाख रुपीज परक्विजिट वैल्यू जो हमारी आती है, जिस दिन आपने ये राइट्स, आपने ये शेयर्स आपने अलॉट किए, इस दिन ये जो मींस परक्विजिट है, इट इज लायबल टू टैक्स, मींस द परक्विजिट वैल्यू वुड बी टैक्सेबल। तो लेट्स से कि हमने जो इनको ऑप्शंस दिए थे कि यार आप शेयर्स को परचेज कर सकते हैं, दैट ऑप्शन इज गिवन लेट्स से फर्स्ट फेब 2023, और हमने जो अलॉट किया वो हमने अलॉट किया फर्स्ट मई 2023। तो जो परक्विजिट वैल्यू जो लायबल टू टैक्स होगी, ध्यान दीजिएगा, जो परक्विजिट वैल्यू जो लायबल टू टैक्स होगी वो कब होगी? प्रीवियस ईयर 23-24 में। ठीक बात है। अब सवाल बनता है कि परक्विजिट वैल्यू कैसे लायबल टू टैक्स होगी? ध्यान दीजिएगा डियर, दैट परक्विजिट इज बेसिकली द पार्ट ऑफ व्हाट? सैलरी। तो एम्प्लॉयर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी कास्ट करता है सेक्शन 192 के
एम्प्लॉयर जब भी तुम जो भी इम्प्लॉय को सैलरी पे करोगे तो इम्प्लॉय के सैलरी का एस्टिमेटेड इनकम निकाल के आपको उसमें से क्या करना है, टैक्स काटना है, टैक्स मतलब डिडक्ट करना है, जिसको नाम कहते हैं TDS। तो सर आप ये कहना चाहते हैं कि जो हमारे ESOP की वजह से जो परग्यूजिट आएगी उस पर भी TDS करना पड़ेगा एम्प्लॉयर को एज पर सेक्शन 192? बिल्कुल डियर, ESOP वाले केस में भी आपको मतलब TDS करना पड़ेगा एज पर सेक्शन 192। बट लेट्स से सर अगर एम्प्लॉयर जो है वो TDS करना भूल गया या किसी वजह से TDS नहीं कर सका तो क्या एम्प्लॉय के ऊपर अब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? ऐसा नहीं है। फिर सेक्शन 191 कहता है कि साहब अगर लेट्स से TDS नहीं हो सका किसी वजह से तो फिर एम्प्लॉय के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑफ द डायरेक्ट पेमेंट ऑफ टैक्स की, एम्प्लॉय को उस टैक्स को डायरेक्टली सरकार को जमा करना पड़ेगा इन द मोड गिवन इन द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, जो कि जनरली आपका हो सकता है डियर सेल्फ असेसमेंट टैक्स में भी आप कर सकते हैं। इनी हाउ तो मुद्दे वाली बात क्या है कि हमने देखा कि साहब ESOP में ना टैक्स लायबिलिटी दो स्टेजेस पर राइज होती है। जो पहला जो स्टेज होता है वो होता है द डेट ऑफ अलॉटमेंट और दूसरा होता है ऑन द डेट ऑफ सेल। तो लेट से कि हमें ना शेयर्स अलॉट हो गए 1 मई 2023 को और लेट से कि हमने 1 अप्रैल 2025 को इन शेयर्स को सेल कर दिया, हमने इन शेयर्स को मतलब सेल कर दिया, तो डियर अब आपके हाथ में क्या राइज होगा? कैपिटल गेन। अब आपके हाथ में क्या राइज होगा? कैपिटल गेन। और आपके लिए जो पीरियड ऑफ होल्डिंग हो जाएगी वो हो जाएगी फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट मीन्स 1 मई 2023 से लेके 31 मार्च 2025। और आपके लिए जो सेल जो आपके लिए जो मेरी बात पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो फुल वैल्यू कंसिडरेशन आएगा लेट से कि आपने जो शेयर्स को सेल कर दिया ₹2000 पर शेयर, आपके लिए जो फुल वैल्यू कंसिडरेशन है वो है ₹2000 और 1000 शेयर से शायद ₹20 लाख। और आपके लिए जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी ये इंपॉर्टेंट है डियर, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी? तो लॉ कहता है सेक्शन 49 कहता है जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी वो होगी डियर आपकी FMV ऑफ द शेयर्स ऑन द डेट ऑफ अलॉटमेंट, जो कि हमने FMV आपके लिए कंप्यूट की थी, दैट वुड बी योर द कॉस्ट ऑफ शेयर्स। इसकी बात करेंगे तो जल्दी से मेरे साथ साथ देख लें इसको। अच्छा देखेंगे डियर मीनिंग ऑफ सर्ट इक्विटी शेयर सेक्शन 17(2)(6) सर्ट इक्विटी शेयर्स मींस द इक्विटी शेयर्स इशूड बाय अ कंपनी टू इट्स एम्प्लॉयर डायरेक्टर एट अ डिस्काउंट और फॉर अ कंसिडरेशन अदर देन कैश फॉर प्रोवाइडिंग टेक्निकल नो हाउ और मेकिंग अवेलेबल राइट्स इन द नेचर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और वैल्यू एडिशन बाय व्हाटएवर अंकल। मतलब मुद्दे वाली बात है कि साहब क्या आप अपने एम्प्लॉयज को या मीन्स मतलब डायरेक्टर्स को अगर आप कोई भी शेयर्स वगैरह इशू करते हैं एट अ फ्री ऑफ कॉस्ट और एट अ लेस वैल्यू तो साहब वो जो शेयर्स होंगे वो स्वेट इक्विटी शेयर्स बन जाएंगे और अकॉर्डिंगली जो है उस पर टैक्स लायबिलिटी आपकी बनेगी। तो जैसे कि हमने आपको बताया कि टैक्स लायबिलिटी किस प्रीवियस ईयर में कंप्यूट की जाएगी जिस प्रीवियस ईयर में आपने ये राइट्स एक्सरसाइज किए हैं, बट टैक्स लायबिलिटी कब मतलब इस पे मतलब टैक्स कब पे करना होगा उस प्रीवियस ईयर में जब ये जो शेयर्स हैं आपको अलॉट किए जाएंगे, ठीक है। तो टैक्स इंप्लीकेशंस ऑफ ESOP, तो साहब जो पहला इंप्लीकेशन आएगा वो आएगा जब आपको ये जो शेयर्स अलॉट किए जाएंगे, ध्यान दीजिएगा जब आपको शेयर्स अलॉट किए जाएंगे, जब आपने राइट एक्सरसाइज किया तब नहीं, तो पहला जो लेग आता है डियर वो आता है ऑन द अलॉटमेंट और सेकंड जो लेग आता है आपका टैक्स लायबिलिटी का वो आता है एट अ टाइम ऑफ सेल ऑफ द सिक्योरिटी। अगर उन एम्प्लॉयज ने अगर उन सिक्योरिटीज को अगर सेल कर दिया तो उस केस में उनके ऊपर टैक्स लायबिलिटी आती है। तो मेरे साथ साथ जल्दी से देखेंगे एट अ टाइम ऑफ अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी, तो अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी में जो आपकी जो टैक्स लायबिलिटी बनेगी वो टैक्स लायबिलिटी क्या बनेगी? FMV ऑफ द शेयर्स ऑन द डेट ऑफ द एक्सरसाइज ऑफ द ऑप्शन मींस FMV ऑफ द सिक्योरिटीज ऑन द डेट ऑन विच द एम्प्लॉयज एक्सरसाइज द ऑप्शन और दोनों ने कितना प्राइस पे किया, इन दोनों का जो अंतर होगा दैट वुड बी द परग्यूजिट वैल्यू। अब सवाल बनता है कि हम FMV ऑफ द शेयर ऑफ द सिक्योरिटीज कैसे निकालेंगे? दो सिक्योरिटीज हो सकती हैं आपकी, एक आपकी इक्विटी शेयर हो सकती है और आपकी अदर देन इक्विटी शेयर हो सकती है। अच्छा तो हम निकालेंगे फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर और दूसरा हो सकता है डियर फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ अदर सिक्योरिटीज। तो अगर हम इक्विटी शेयर की बात करें, अगर वो इक्विटी शेयर किसी भी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड ऑन अ रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज ऑन द डेट ऑफ एक्सरसाइज ऑफ द ऑप्शन, अगर वो शेयर्स क्या है लिस्टेड है, तो साहब एवरेज प्राइस, एवरेज ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस ऑफ द शेयर ऑन दैट एक्सचेंज। बट सर लेट्स से कि अगर शेयर्स एक से ज्यादा रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में क्या है, अगर लेट्स से कि शेयर्स अगर एक से ज्यादा रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में मींस लिस्टेड इन मोर देन वन रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, तो उस रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में हम मतलब कंसीडर करेंगे जिसमें हाईएस्ट वॉल्यूम ऑफ ट्रेडिंग रिकॉर्ड की गई है। तो लेट्स से डियर कि ऑन द डेट ऑफ एक्सरसाइज ऑफ द ऑप्शंस आर शेयर्स आर मींस लिस्टेड इन BSE एज वेल एज NSE, तो हमें देखना पड़ेगा कि इन दोनों स्टॉक एक्सचेंज में से किसने हाईएस्ट वॉल्यूम ऑफ द शेयर्स की ट्रेडिंग रिकॉर्ड की। तो जिसने हाईएस्ट वॉल्यूम ऑफ द शेयर्स की ट्रेडिंग रिकॉर्ड की हम वहां पे एवरेज प्राइस कंसीडर कर लेंगे। बट लेट्स से कि जिस दिन आपने ऑप्शन एक्सरसाइज किया उस दिन जो शेयर्स हैं उसमें ट्रेडिंग नहीं हुई, तो साहब जिस दिन तो मेरे साथ साथ देख लें वेयर ऑन द डेट ऑफ एक्सरसाइज ऑफ द ऑप्शन देयर इज नो ट्रेडिंग इन शेयर्स इन द स्टॉक एक्सचेंज, तो अगर साहब उस दिन ट्रेडिंग नहीं हुई तो क्या हुआ, उसके प्रीसीडिंग डे में जो मतलब ट्रेडिंग हुई है उसको कंसीडर कर लो। तो देखेंगे साहब द क्लोजिंग प्राइस ऑफ द शेयर्स ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज ऑन द डेट ऑफ द closest of the exercise of the option and immediately preceding such date, मतलब कि उसके पहले जो है उसके immediately पहले जो आपकी जो मतलब ट्रेडिंग हुई थी उस इनको देख लो। अगर साहब अगर ये शेयर्स हमारे दो दो जगह पे
अगर कोटेड है तो उस केस में एनएससी या बीएससी एस केस में भी जहाँ पे हाईएस्ट मतलब ट्रेडिंग हुई थी उसमें मतलब देख लो कि उसके प्रेसिडिंग डे में कब उसमें हाईएस्ट ट्रेडिंग रिकॉर्ड हुई थी। अगर लेट्स से कि स्टॉक एक्सचेंज में मीन्स शेयर्स अभी तक हमारे मीन्स लिस्टेड नहीं है तो क्या होगा, तो उस केस में डेयर फिर आपको जो है वो मर्चेंट बैंकर से वैल्यूएशन करानी पड़ेगी और आपको मर्चेंट बैंकर का जो है वो रिपोर्ट मीन्स मर्चेंट बैंकर से आपको वैल्यूएशन करानी पड़ेगी किस दिन ऑन द डेट ऑफ द एक्सरसाइज ऑफ द ऑप्शन। बट सर क्या हर बार ऑप्शन एक्सरसाइज में वैल्यूएशन कराना पॉसिबल हो पाएगा हमारे लिए? तो लॉ मेकर ने कहा ठीक है यार, अगर आप हर बार एक्सरसाइज ऑफ द ऑप्शन में वैल्यूएशन नहीं करा सकते तो फिर आप एक काम करो, आपने अगर जिस दिन ऑप्शन एक्सरसाइज हुआ था अगर उसके 6 महीने पहले तक भी अगर आपने वैल्यूएशन कराया है तो आप उस वैल्यूएशन रिपोर्ट को कंसीडर कर सकते हैं। एनी डेट अर्लियर देन द डेट ऑफ एक्सरसाइज ऑफ द ऑप्शन नॉट बीइंग द डेट विच इज मोर देन 180 डेज अर्लियर देन द डेट ऑफ एक्सरसाइज ऑफ द ऑप्शन। तो अगर लेट्स से कि अगर आपने ऑलरेडी अगर मर्चेंट बैंकर से वैल्यूएशन कराया हुआ है तो उस मतलब वैल्यूएशन को आप अपना 6 महीने तक के पीरियड के लिए आप यूज कर सकते हैं और इस 6 महीने तक के मतलब पीरियड में जिसने भी शेयर्स को एक्सरसाइज किए ऑप्शन को एक्सरसाइज किया है उसके लिए सेम वैल्यू यहाँ पे यूज हो जाएगी। अच्छा फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ अदर सिक्योरिटीज, तो साहब अदर सिक्योरिटीज के लिए चूंकि कोई रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में इसकी प्राइस कैलकुलेट नहीं आइडेंटिफाई नहीं की जाती, इसलिए फिर जो प्राइस का जो आइडेंटिफिकेशन का काम है वो कौन करेगा? मर्चेंट बैंकर। तो आप मर्चेंट बैंकर की रिपोर्ट ले लो ऑन द डेट ऑफ एक्सरसाइज ऑफ द ऑप्शन। तो साहब अगेन क्या हर बार ये रिपोर्ट लेना पॉसिबल है? इसलिए 6 महीने के टाइम पीरियड में आप एक बार भी ये रिपोर्ट ले सकते हैं और आप 6 महीने तक की एक्सरसाइज ऑफ द ऑप्शन को कंसिडर कर सकते हैं। एनी डेट अर्लियर देन द डेट ऑफ एक्सरसाइज ऑफ द ऑप्शन नॉट बीइंग मोर देन 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द एक्सरसाइज ऑफ द ऑप्शन। तो हमने क्या कहा कि हमने जो है वो एफएमवी ऑफ द सिक्योरिटीज निकाला। एफएमवी हमने कैसे निकाला? एज पर सेक्शन 26 रीड विद रूल 38 उस एफएमवी के बेसिस पे लेट्स से कि हमने जो एफएमवी ऑफ द सिक्योरिटीज निकाला लेट्स से ये रुपीस 1300 है और हमने अपने एम्प्लॉय से 300 रुपीस चार्ज किया तो फिर परक्विजिट वैल्यू पर शेयर कितनी है? 1000 रुपीस। तो लेट्स से कि हमने इनको 1000 शेयर्स का ऑप्शन दिया, इन्होंने लेट्स से 1000 शेयर्स एक्सरसाइज कर लिए तो फिर एम्प्लॉयज के हाथ में कितनी परक्विजिट वैल्यू आई? ₹10 लाख और ये जो परक्विजिट वैल्यू वो एम्प्लॉय की सैलरी बन गई और अकॉर्डिंगली इस पे जो है वो कंपनी को टीडीएस करना पड़ेगा या फिर एम्प्लॉय को अगर वो टीडीएस नहीं होता तो फिर डायरेक्टली जो है वो डायरेक्ट पेमेंट करनी पड़ेगी ऑफ दी सेल प्राइस, मतलब जो है वो टैक्स जो आपका बनता है वो डायरेक्टली आपको पे करना पड़ेगा। आगे आते हैं एट द टाइम ऑफ द शेयर्स ऑफ द सेल ऑफ द सिक्योरिटीज, तो लेट्स से कि जो आपको सिक्योरिटीज इशोप में मिली हुई है अगर आप उन सिक्योरिटीज को सेल करेंगे तो साहब आपके हाथ मीन्स इंप्लॉयज के हाथ में कैपिटल गेन अराइज होगा। तो मेरे साथ साथ देख लें तो हम पीरियड ऑफ होल्डिंग कैसे कंसिडर करेंगे? द डेट ऑफ अलॉटमेंट, तो जिस दिन आपको जो सिक्योरिटीज अलॉट की गई थी उस दिन से हम काउंट करेंगे और प्रीसीडिंग द डेट ऑफ द सेल हम कंसिडर करेंगे। ठीक है, इसमें ध्यान देने वाली बात यह है डियर कि जो हम आपके लिए जो पीरियड ऑफ होल्डिंग काउंट करेंगे वो हम काउंट करेंगे फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट, जिस दिन आपने शेयर्स को एक्सरसाइज किया था उस दिन नहीं, क्योंकि जिस दिन आपने शेयर्स को एक्सरसाइज किया था उस दिन आपको शेयर्स नहीं मिले थे। मैं जैसे आपको पहले ही बताया कि डेट ऑफ अलॉटमेंट और डेट ऑफ द एक्चुअल डेट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ द शेयर्स और डेट ऑफ द एक्सरसाइज ऑफ द ऑप्शंस में जो है वो काफी डेज का अंतर हो सकता है और डियर 2 से 3 महीने तक का भी अंतर हो सकता है। तो जिस दिन आपको ये शेयर्स अलॉट किए गए थे उस दिन से आपकी पीरियड होल्डिंग काउंट होगी। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ सच सिक्योरिटी और शेयर शैल बी द एफएमवी व्हिच हैज बीन टेकन इनटू अकाउंट फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द परक्विजिट वैल्यू। तो जो आपकी एफएमवी हमने आइडेंटिफाई की थी रूल 38 के हिसाब से वो हम कंसीडर करेंगे। अच्छा, अब थोड़ा सा मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा डियर फ्रेंड्स, एलिजिबल स्टार्टअप्स के केस में जो कि सेक्शन ATIC में मेंशन है, तो हमने आपके साथ कुछ बैकग्राउंड पहले हम आपके साथ बात कर लेते हैं। हमने कहा कि लेट से आपने अपने एम्प्लॉय को 1000 शेयर्स का ऑप्शन दिया कि यार आप चाहें जो है वो परचेज कर सकते हैं और इसकी लेट से कि जो फेयर मार्केट वैल्यू आती है एज पर सेक्शन 1726 रीड विद रूल 38 वो आती है ₹1300 पर शेयर, बट हमने जो इनको एक्सरसाइज प्राइस दिया वो है लेट से ₹300 पर शेयर, तो इनके लिए जो परक्विजिट वैल्यू बनी वो कितनी बनी? 1000 रुपीज पर शेयर और फॉर 1000 शेयर्स, तो जो परक्विजिट वैल्यू बनती है डियर वो बनती है 10 लाख रुपीज की। ठीक है, ये जो परक्विजिट वैल्यू बनती है डेट परक्विजिट वैल्यू इज ऑफ ₹10 लाख। तो मेरी बात पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हाँ, जो सैलरी के केस में डियर जो मतलब TDS आइडेंटिफाई होता है उसका मेकानिज्म थोड़ा सा अलग होता है, बट हम एक काम करते हैं, हमने यहाँ पे TDS को एवरेज मान लेते हैं कि 30% आपका जो सैलरी बनती है डेट इज लाइबल टू दी TDS। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस साल, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि जिस प्रीवियस ईयर में ये शेयर्स अलॉट किए गए हैं, जिस प्रीवियस ईयर में ये जो शेयर्स हैं, जिस प्रीवियस ईयर में ये जो जो आपको ESOP है ये आपको अलॉट किया गया है, उस साल ऑन एन एवरेज 3 लाख रुपीज़ का जो है वो TDS कटेगा। 3 लाख रुपीज़ का TDS काट के सरकार को जमा कराना पड़ेगा बाय द एम्प्लॉयर। अगर एम्प्लॉयर ऐसा नहीं करता तो फिर लेट्स से एम्प्लॉय को साहब 3 लाख रुपये तक का करीबन टैक्स सरकार को जमा करना पड़ेगा। ठीक है, और ऐसा ये सिलसिला चलता आ रहा था, कोई परेशानी नहीं थी। बट साहब एलिजिबल स्टार्टअप जो ये बट डियर फ्रेंड्स, ये जो मतलब स्टार्टअप जो मतलब कंपनीज होती हैं जिनके पास
कैपिटल टू ऑपरेट या वर्किंग कैपिटल टू ऑपरेट बहुत कम होता है, बट साहब उनके प्रोस्पेक्ट्स बहुत अच्छे होते हैं, और लेट्स से कि अगर उनका लक लग गया तो साहब वो फिर जो है वो 100 बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन को भी क्रॉस कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बट सर जी इसमें समय लगता है, टेक्स टाइम, और हो सकता है कि बहुत दिन तक तो आपको ऐसे दिन देखने पड़े कि साहब कि जो है वो कंपनी का पानी का बिल कैसे देना है, कंपनी की का मतलब बिजली का बिल हमें कैसे पे करना है, और कंपनी में जो चाय वगैरह जो जो एम्प्लॉयज जो मतलब पीते हैं उसका बिल कैसे देना है साहब, इसके लिए भी कंपनी को हो सकता है कि स्ट्रगल करना पड़े। तो मेरी बात पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो स्टार्टअप्स होती हैं डियर इनके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स तो हो सकता है बहुत अच्छे हों, पर सब आज इनका मतलब वर्तमान जो है ये हो सकता है ये बहुत अच्छा ना हो। और हाँ जो स्टार्टअप्स होती हैं डियर वो जो मतलब टैलेंटेड एम्प्लॉयज को जो हायर करती हैं वो साहब वहाँ पे ना कंपनसेशन जो पैकेज जो होता है उसका हो सकता है कि साहब 90% ऑफ द कंपनसेशन पैकेज जो होगा वो हो सकता है कि इसोप हो, हो सकता है कि इसोप हो। तो लेट्स से कि अगर आपने कभी खबर सुनी कि जो स्टार्टअप कंपनीज ने जो है वो IIT के पास आउट्स को मतलब रिक्रूट कर लिया और सैलरी ऑफर कर दी 2 करोड़ रुपये पर एनम, तो 2 करोड़ रुपये कैश नहीं होता जनरली, अगर आप उसके मतलब डिटेल में जाएँ तो हो सकता है कि आपको पता चले कि यार 70% जो है यहाँ पे इसोप बेसिकली कंपनी के, मतलब 70% तक इसोप से। आर यू गाइस गेटिंग? तो मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा, ऐसा भी हो सकता है कि आप की एक एलिजिबल स्टार्टअप जो है हो सकता है कि अपने एम्प्लॉय को जो कैश सैलरी पे करे वो सिर्फ और सिर्फ 5 लाख रुपए हो पर एनम, और जो इसोप जो इन्होंने दे दिया है इनको वो हो सकता है कि साहब 50 लाख रुपए का इसोप। आर यू गाइस गेटिंग? तो इसोप हमने 50 लाख रुपए का दे दिया और हमने जो कैश पे किया वो हमने सिर्फ 5 लाख रुपए का दिया, तो इसका मतलब ये हुआ साहब कि जो इसोप है उसकी जो परग्यूजल वैल्यू 50 लाख रुपए और कैश हमने 5 लाख रुपए का दे दिया, और इस इसोप में साहब करीबन करीबन 15 लाख रुपए का टैक्स बनता है। आर यू गाइस गेटिंग? किसी को बात समझ आ रही है? और इस 15 लाख रुपए का टैक्स जो है वो या तो सरकार को हमें TDS मीन्स एम्प्लॉयर को TDS के नाम का देना पड़ेगा अंडर सेक्शन 192, या साहब जो इम्प्लॉय है उसको मीन्स डायरेक्टली पेमेंट करना पड़ेगा 191 के हिसाब से। क्या मेरी बात समझ पाए? अब मुझे बताएं क्या ये प्रैक्टिकली आपको थोड़ा सा हार्श लग रहा है कि साहब हमारे पास जो कैश सैलरी आ रही है वो तो सिर्फ 5 लाख रुपए आ रही है, और हाँ हमारे पास इसोप है, हम मानते हैं कि हमारे पास इसोप है, बट वो इसोप क्या हमारे किसी क्या आज क्या इस आज क्या ये इसोप हमें कोई फायदा सच दे रहा है? नहीं, हमने तो इस इसोप को अपने पास रखा हुआ है। तो इस इसोप से आज हमें सच कोई कैश नहीं मिल रहा। अब लेट से मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं आज इस इसोप को मतलब सेल करके सरकार को जो है वो मतलब टैक्स पे कर दूं, क्या फिर ये फिर इसोप को देने का पर्पस क्या मेरा मतलब डिफीट हो गया? हाँ सर। तो ज़्यादा समय आपका बर्बाद ना करते हुए ऐसे सिचुएशन में लॉ मेकर्स ने कहा कि ठीक है यार, आपकी जो टैक्स लाइबिलिटी बनती है वो लाइबिलिटी तो आपकी उस प्रीवियस ईयर में बनती है जिस प्रीवियस ईयर में आपको इन इसोप्स को अलॉट किया गया, फिर से आपकी जो टैक्स लाइबिलिटी बनती है वो उस प्रीवियस ईयर में बनती है जिस प्रीवियस ईयर में ये जो शेयर्स हैं आपको अलॉट किए गए, बट हम एलिजिबल स्टार्टअप्स के केस में इस टैक्स लाइबिलिटी को डेफर करते हैं और हम ये टैक्स लाइबिलिटी उस प्रीवियस ईयर में हम आपसे मतलब कलेक्ट मतलब करेंगे, मीन्स चाहे इन द फॉर्म ऑफ द TDS अंडर सेक्शन 192 और इन द फॉर्म ऑफ द मीन्स डायरेक्ट पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर सेक्शन 191, हम आपको उस प्रीवियस ईयर में ये टैक्स लाइबिलिटी कलेक्ट नहीं करेंगे जिस प्रीवियस ईयर में हमने अलॉटमेंट किया, जबकि बनता तो उसी प्रीवियस ईयर में था जिस प्रीवियस ईयर में अलॉटमेंट हुआ, बट हमने इस लाइबिलिटी को डेफर कर दिया। और हम आपसे इस लाइबिलिटी को कब कलेक्ट करेंगे ध्यान दीजिएगा, विद इन 14 डेज फ्रॉम द हैपनिंग ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑन द एक्सपायरी ऑफ 48 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर इन विच द सिक्योरिटीज आर अलॉटेड अंडर ISO। इसका मतलब ये हुआ कि लेट्स से अगर आपको सिक्योरिटीज अंडर इसोप अलॉट की गई है ऑन लेट्स से कि 1 फेब 2022, तो आपकी जो टैक्स लाइबिलिटी बनती थी वो बनती थी कब? प्रीवियस ईयर 22-23 में, द प्रीवियस ईयर ऑफ द अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी। बट हम आपसे ये जो टैक्स लेंगे भले वाय द मोड ऑफ द TDS और वाय द मोड ऑफ द मीन्स डायरेक्ट पेमेंट बाय द एम्प्लॉई, हम प्रीवियस ईयर 22-23 में नहीं लेंगे साहब, प्रीवियस उस असेसमेंट ईयर के एंड के 48 महीने के बाद। इसका मतलब असेसमेंट ईयर कब एंड हो रहा है साहब? 31 दिन 2024 उसके 48 महीने के बाद, तो तकरीबन अगर हम देखें तो हमारे लिए कब बनता है 2024, और इसमें अगर हम 48 महीने में 4 साल ऐड कर दें 31 दिन 2028, मतलब ये करीबन प्रीवियस ईयर 28-29 चला गया, मीन्स देयर इज अ ह्यूज पीरियड ऑफ द डिफरमेंट। ठीक बात, इसका मतलब कि जो टैक्स हमें आपसे यहाँ पे रिकवर करना था हम आपसे यहाँ पे रिकवर ना करके इस टैक्स को हम आपसे इस प्रीवियस ईयर में रिकवर कर रहे हैं, सो दैट इज अ ह्यूज रिलीफ फॉर द स्टार्टअप्स। तो सर क्या ये बेनिफिट या क्या ये बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ एलिजिबल स्टार्टअप्स को दिया गया? हाँ डियर, मांग तो थी और भी लोगों की, पर सरकार ने इसको सिर्फ और सिर्फ एलिजिबल स्टार्टअप्स को दिया। दूसरा, हमने कहा कि सेकंड ईयर साहब फ्रॉम द डेट द सीज टू बी द एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन
ऑर्गेनाइजेशन, लेट्स से कि अगर आपने उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ दिया जिस ऑर्गेनाइजेशन ने आपको सौंप दिया था, तो साहब जिस प्रीवियस ईयर में आपने उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ दिया उसी प्रीवियस ईयर में आपकी टैक्स लाइबिलिटी अराइज हो जाएगी। तो लेट्स से कि आपको जो सौंप मिला इन द प्रीवियस ईयर 22-23, बट लेट्स से कि आपने इन द प्रीवियस ईयर 23-24 मीन्स अगले साल अगर आपने ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ दिया तो इस प्रीवियस ईयर में फिर वो जो टैक्स लाइबिलिटी उस पर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। और तीसरा फ्रॉम द डेट ऑफ सेल ऑफ द सिक्योरिटीज, तो लेट्स से कि अगर आपने ऑर्गेनाइजेशन को नहीं छोड़ा बट अगर आपने लेट्स से सिक्योरिटीज को अगर आपने सेल कर दिया, तो इवन अगर आपने पार्ट ऑफ द सिक्योरिटीज अगर आपने सेल किया डियर, तो उस प्रीवियस ईयर में आपको पूरी की पूरी टैक्स लाइबिलिटी या तो इन द मोड ऑफ द मीन्स टीडीएस अंडर सेक्शन 192 या फिर द मीन्स मतलब सेसी चाहे तो खुद से भी पे कर सकता है 191 में, तो इन तीनों डेट्स के बीच एवरेज अर्लियर आपकी जो है वो टैक्स लाइबिलिटी अकॉर्डिंगली राइज हो जाएगी और आपको जो उस पर टैक्स पे करना पड़ेगा इस ऑफ के परक्विजिट वैल्यू में। और परक्विजिट वैल्यू कैसे निकालते हैं, FMU of the securities as per rule 38 read with section 1726 minus कर दें जो आपने हमसे जो हमने आपसे अमाउंट चार्ज किया मीन्स अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम द एम्प्लॉय, इन दोनों का जो मीन्स डिफरेंस है डेट वुड बी द परक्विजिट वैल्यू और इस पर जो अकॉर्डिंगली आपकी टैक्स लाइबिलिटी अराइज हो जाएगी। सो डेट वॉज ऑल अबाउट ईसोप। इसमें हम आपके साथ छोटी सी बात और करना चाहते हैं, देखेंगे मेरी बात पे, जो ईसोप जो होते हैं, अच्छा ईसोप में जो शेयर्स होते हैं डियर, वो ना कंपनीज ना दो मोड से अपने एम्प्लॉयज को ट्रांसफर कर सकती है, एक होता है मीन्स डायरेक्ट मोड और सेकंड होता है वाया ट्रस्ट मोड। तो लेट्स से कि एक कंपनी जिसका नाम है लेट्स से इंफोसिस, लेट्स से इंफोसिस को जो है वो 50 लाख शेयर्स अपने एम्प्लॉयज को ट्रांसफर करना है, तो ये इंफोसिस के एम्प्लॉयज हैं, तो इंफोसिस को लेट्स से 50 लाख जो शेयर्स हैं वो ईसोप के फॉर्म में अपने एम्प्लॉयज को ट्रांसफर करते हैं 50 लाख शेयर्स। तो इंफोसिस के पास एक ऑप्शन है कि वो क्या करे, वो मीन्स डायरेक्टली अपने एम्प्लॉयज को शेयर्स मतलब ट्रांसफर कर दे मीन्स डायरेक्ट मोड। ऐसे केस में जो अगर आप डायरेक्ट मोड में अगर आप शेयर्स को अगर आप ट्रांसफर करते हैं, तो ऐसे केस में डियर आप ना फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स भी कर सकते हैं, मीन्स जो आपके पास ऑथराइज शेयर कैपिटल है उसमें से भी साहब आप जो है वो शेयर्स को उठा के एम्प्लॉयज को ट्रांसफर कर सकते हैं। बट अगर आप लेट्स से वाया ट्रस्ट मोड ट्रांसफर करते हैं कि लेट्स से कि अगर आपने एक ट्रस्ट बनाया जिसका नाम आपने रख दिया ईसोप ट्रस्ट, उस केस में डियर फ्रेंड्स अपना मीन्स अपने ना अपना फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स नहीं कर सकते, आपको शेयर्स जनरली मार्केट से एक्वायर करके फिर ट्रस्ट को देना पड़ता है, फिर ये जो ट्रस्ट है फिर ये एम्प्लॉयज के बिहाफ में इन शेयर्स को होल्ड करके रखते हैं जो कि एम्प्लॉयज के लिए होते हैं। ठीक बात है, अब मेरी बात पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर लेट्स से कंपनी ने ट्रस्ट वाला रूट ऑप्ट किया हुआ है, अगर लेट्स से कंपनी ने इंफोसिस ने लेट्स से अगर ट्रस्ट वाला रूट ऑप्ट किया हुआ है, तो हमने आपके साथ कैपिटल गेन में देखा था सेक्शन 47 में, सेक्शन 47 का क्लॉज 3 था जो ये कहता था कि अगर हम लेट्स से किसी कैपिटल एसेट को किसी ट्रस्ट में गिफ्ट में या इरेवोकेबल अगर हम वगैरह में अगर हम ट्रांसफर करते हैं तो उस पर कैप गेन अराइज नहीं होता, याद है किसी को, अच्छा ट्रांसफर ऑफ बाय द वे ऑफ गिफ्ट विल और इरेवोकेबल ट्रस्ट, एनी ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल एसेट अंडर अ गिफ्ट विल और इरेवोकेबल ट्रस्ट शैल नॉट बी रिगार्डेड एज अ ट्रांसफर फॉर द पर्पस ऑफ कैप गेन टैक्स। तो इसका मतलब हुआ कि लेट्स से कि अगर हमने 50 लाख जो शेयर्स है वो मार्केट से उठाए और अगर हमने ट्रस्ट को ट्रांसफर कर दिया तो सेक्शन 47(3) लग जाता था यहाँ पे और इसमें जो है वो हम ट्रांसफर नहीं मानते थे, बट हमने आपको कैप गेन में भी बताया था कि इसका प्रोवाइजो पढ़ें, इसका प्रोवाइजो क्या कहते हैं, अच्छा provided to section 47(3) provided that this clause shall not apply under apply to a transfer under a gift or irrevocable trust of a capital asset being shares debentures or warrants allotted by a company directly or indirectly to its employee under the ESOP plan or scheme of the company। to uska matlab ye hua ki let's say ki agar aapne 50 lakh shares market se uthaye aur agar aapne apne trust ko transfer kar diya ESOP trust ko transfer kar diya to sahab ab yahan pe section 47(3) ka benefit aap claim nahi kar sakte, bahut dhyan se aap section 47(3) ka benefit claim nahi kar sakte aur is wale transfer ko aap jo hai wo ye nahi keh sakte ki is pe jo wo कैपिटल गेन टैक्स अट्रैक्ट नहीं होगा, मतलब ये हुआ कि ये कैपिटल गेन टैक्स अट्रैक्ट ना होने की ना होने के बेनिफिट से बाहर निकल गया, मतलब सर जी मुद्दे वाली बात क्या है साहब, दिस इज अ टैक्सेबल ट्रांसफर, दिस इज द टैक्सेबल ट्रांसफर, ठीक है साहब, इतना टाइम आपने सर हमारा लगा दिया, इट इज अ टैक्सेबल ट्रांसफर, ठीक है चले। तो 47(3) ने तो ये तो कह दिया कि साहब इस पे जो है वो आपका कैप गेन बन जाएगा एज पर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। हमने आपको एक और चीज वहां पे पढ़ाई थी सेक्शन 48 का प्रोवाइजो 6 जो कहता है कि ऐसे वाले केस में जो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन होगा वो होगा एफएमवी ऑफ द शेयर्स, एफएमवी ऑफ द शेयर्स, तो हम जो आपके कैप गेन कंप्यूट करेंगे वो हम एफएमवी ऑफ द शेयर्स के हिसाब से करेंगे। तो मेरे साथ साथ देख लें, 6 प्रोविजन टू सेक्शन 48 वेयर द शेयर्स डिबेंचर्स और वारंट्स रेफर्ड इन द प्रोविजन टू सेक्शन 47(3) मतलब ये वाला आर ट्रांसफर टू अंडर गिफ्ट और इक्वल ट्रस्ट द मार्केट वैल्यू ऑफ द ट्रस्ट ऑन द डेट ऑफ सच ट्रांसफर, मतलब जिस दिन आप ट्रस्ट में शेयर्स वगैरह ट्रांसफर कर रहे हैं उसकी जो मार्केट वैल्यू होगी वो बन जाएगी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन
और उस फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन के हिसाब से फिर आपका कैप गेन लाइबिलिटी राइज होगी, मीन इन्फोसिस को उस पर कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। ऐसा क्यों हुआ इसकी बात नहीं करते, बट एक छोटी सी बात हम आपको ये बता देते हैं कि इस इन दोनों प्रोविजंस का मीन्स प्रोवाइजो टू सेक्शन 47(3) का और 6 प्रोवाइजो टू सेक्शन 48 का, इन दोनों का जो क्यूमुलेटिव पर्पस ये है, वो पर्पस ये है कि ऐसा ना हो यार कि इन्फोसिस कंपनी क्या करे, मार्केट से शेयर्स तो उठा ले बहुत पहले और उसको ट्रस्ट को ट्रांसफर करे बहुत दिनों के बाद। ऐसा नहीं, हम ये चाहते हैं कि जिस दिन आप मार्केट से शेयर उठा रहे हैं जितना हो सके उतने क्लोजली आप उन ट्रस्ट को शेयर्स को ट्रांसफर करें। अगर आपने लेट से मार्केट से शेयर उठाया और लेट से कि अगर आप जब ट्रस्ट को अगर आप शेयर्स को मतलब ट्रांसफर अगर आप मतलब कर रहे हैं, अगर इनके बीच में मतलब डिले बहुत ज़्यादा है तो साहब आपका कैप गेन अराइज हो सकता है। तो अगर आप इस कैप गेन की लाइबिलिटी से बचना चाहते हैं तो जब आप मार्केट से शेयर उठाएं उसको जितना हो सके एज सून एज पॉसिबल आप ट्रस्ट को ट्रांसफर कर दें।